हेलो फ्रेंड्स, सिंपल वीडियोस इन कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपको मटर को नए मटर आने तक कैसे स्टोर करके रखें वो आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हमको मटर स्टोर करना है। मैंने यहाँ पे ये आधा किलो मटर के दाने लिए हैं और जो हमको मटर के दाने हैं वो इस तरह के मोटी साइज वाले मटर के दाने लेने हैं। आपको बिल्कुल छोटी साइज के मटर के दाने नहीं लेने हैं क्योंकि छोटे साइज के मटर ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाते हैं, इसलिए आपको इस तरह के मटर का यूज करना है। मैंने इन मटर को छील के और जो खराब मटर थे उनको हटा दिया है और इसको अच्छे से साफ पानी से धो लिया है। अब हम चलते हैं हमारी गैस की तरफ। मटर को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमको एक बड़ी बर्तन में पानी को गर्म करना होगा। पानी हमको इतना लेना है कि हमारी जो मटर है वो अच्छे से पानी में डूब जाए और पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए और हमारा जो पानी है वो अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें बॉयल भी आने लगा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये एक छोटा चम्मच चीनी और हम इसको अच्छे से चीनी को पानी के साथ अच्छे से घुलने देंगे। जो हमने चीनी डाली थी वो अच्छे से पानी में घुल गई है। अब जो हमने मटर के दाने लिए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसको हाई फ्लेम पे, गैस का जो फ्लेम होगा उसको हाई रख के इसको हम तब तक उबाल लेंगे जब तक जो हमारे मटर के दाने हैं वो सारे ऊपर आ जाए। तब तक हम इसको उबाल के तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो मटर के दाने हैं वो पूरे ऊपर आ गए हैं और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने उबाल लिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। पहले जब हमने मटर डाले थे तब हमको गैस का जो फ्लेम है वो हाई रखना है और जैसे ही मटर में उबाल आने लगे तब आपका आपको जो गैस का फ्लेम है उसको आप मीडियम हाई फ्लेम पे कर दें। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी दूसरे बर्तन पे स्ट्रेनर को लगा लें और जो हमने मटर के दाने उबाले हैं उसको इस तरह से निकाल दें। पूरे मटर को आप इसी तरह से निकाल दें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे मटर को अच्छे से छान लिया है। जो गर्म पानी है वो इस तरह से दूसरे बर्तन में निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा बर्तन ले लेंगे, उसमें ये मैंने ठंडा पानी ले लिया है। मटर को तुरंत हमको ठंडे पानी में डाल देना है ताकि जो हमारे मटर है वो गर्म होने की वजह से ज्यादा ना पके और इसको हम ठंडे पानी में 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे मटर के दाने हमने ठंडे पानी में डाले थे वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और जो हमारे मटर का कलर है वो देखिए कितना ग्रीन हो गया है चीनी डालने से, ये देखिए। और ये जो कलर है वो हम स्टोर करेंगे, जब तक आप इसको स्टोर करके रखेंगे तब तक आपका जो ये मटर का कलर है वो ऐसा ही बना रहेगा। ये हमारा जो चीनी हमने डाला है उसकी वजह से ये ग्रीन कलर आया है मटर में। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से इसको वापस, जो हमने ठंडा पानी डाला था इसको वापस से निकाल देंगे अच्छे से, ये देखिए। अब हम इस पानी को फेंक देंगे और जो हमारे मटर है उसको इस तरह से हम 5 मिनट के लिए स्ट्रेनर में ही रखे रहने देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे से अच्छे से निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पानी है मटर में से वो अच्छे से निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, एक कोई भी कॉटन का टॉवल, जो किचन का टॉवल होता है वो ले लें या फिर आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें और उसके ऊपर ये जो हमने मटर के दाने उबाल के रखे हैं उसको इस तरह से फैला दें। इससे जो हमारे मटर के ऊपर पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा। इसको आप आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दें और इस तरह से आप इसको सूखने दें आधे घंटे के लिए। आप चाहे तो इसको फैन में भी सुखा सकते हैं। अब उसके बाद हम इसको पॉलीथीन बैग में या फिर किसी भी एयर कंटेनर में भर के रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आधा घंटा हो चुका है और जो हमारे मटर के दाने हैं वो अच्छे से सूख चुके हैं, ये देखिए, देख सकते हैं आप। इसका बिल्कुल भी पानी हाथों पे नहीं आ रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और जो हमारे मटर है उसका कलर भी कितना प्यारा आया है। अब हम इसको
किसी बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मटर इसमें बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसको पॉलीथीन में डाल लेंगे। अगर आपके पास पॉलीथीन ना हो तो आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भी भर सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन में डालने से फ्रिज में ज्यादा जगह है वो नहीं रुकेगी। इस तरह से देखिए, आप इसको पॉलीथीन में डाल के रखें और इसको इस तरह से आप इसकी पूरी जो इसके अंदर जो हवा है वो उसको पूरा निकाल दें। इस तरह से दबाते हुए और इसके इस तरह से रबर लगा के इसका जो मुंह है उसको इस तरह से बंद कर दें। ये देखिए, हमारे जो मटर है वो स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आपको जो मैंने स्टेप बताया था टावल पे सुखाने का, कॉटन के कपड़े या टावल पे, वो आप जरूर फॉलो करें। उससे जो हमारे मटर है वो बहुत से महीनों के लिए, जब तक नए मटर आएंगे तब तक हमारे जो स्टोर किए हुए मटर है वो अच्छे रहेंगे, बिल्कुल भी इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, इसमें कई लोगों की प्रॉब्लम और कंफ्यूजन होता है कि जो स्टोर किए हुए मटर होते हैं उनको यूज कैसे करना है। आपको स्टोर किए हुए मटर को यूज करने के लिए इसको फ्रीज से 10 मिनट के लिए बाहर निकाल दें। 10 मिनट बनाने से 10 मिनट पहले आप इसको बाहर निकाल दें और फिर इसको पानी में 10 मिनट के लिए डुबो के रखें। उसके बाद जो भी आपको सब्जी बनानी है या फिर जो भी आप इसको काम में लेना चाहें वैसे इसको काम में ले सकते हैं। अगर आपको मेरे ये मटर का स्टोर करने का तरीका पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।